अफ्रीका में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजादी से पहले या फिर आप ये भी कह सकते हैं आजादी के बाद का जो सबसे पहला न्यूज ब्रॉडकास्टिंग या फिर आप कह सकते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो सुपर हिट नाम था वो था बीबीसी। वहीं पर आज बीबीसी के एशियन नेटवर्क के लाइव एयर शो के दौरान किसान आंदोलन के बिग डिबेट पर किसी साइमन नामक कॉलर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया अभद्रपूर्ण टिप्पणी। हालांकि साइमन पहले इंग्लिश में बोल रहे थे, फिर पंजाबी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हुए संबोधित किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि बीबीसी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर जब लाइव शो हो रहा होता है तो क्या लाइव शो के दौरान कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता है कि जब हम किसी कॉलर से बात कर रहे होते हैं तो उस कॉलर के रिकॉर्डिंग को कट करके फिर से उसको एयर किया जाए, या फिर ऐसा कौन सा सिस्टम था या फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन बनता है? क्योंकि जब लाइव शो के दौरान अगर कोई कॉलर किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी करता है तो फिर वो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर लीक कैसे होता है? और फिर सबसे बड़ा दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसे मामले ट्विटर पर आते हैं तो फिर उसे रीट्वीट करके उसकी संख्या को क्यों बढ़ाया जाता है? तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि किसान आंदोलन जैसे बिग डिबेट जब लाइव एयर शो पर हो रहे थे तो फिर उसमें इस प्रकार की अभद्रपूर्ण टिप्पणी कहां से करी गई? क्या ये किसान आंदोलन देश की छवि को देश के बाहर खराब तो नहीं कर रही है? अगला प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर किसान आंदोलन के डिबेट में साइमन जैसे टेलीकॉलर को क्यों मौका दिया गया? क्योंकि जब भी किसी कॉलर को आप मौका देते हैं बोलने के लिए तो किसी कम्युनिटी विशेष कॉलर को ही क्यों मौका दिया गया? क्योंकि जैसा पंजाबी टोन से पता चलता है कि साइमन साहिब पंजाबी टोन से सिख हो सकते हैं, तो क्या सिखों के लिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना उनकी आपत्तिजनक उनको आपत्तिजनक लगता है क्या? या फिर क्या सिख देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं देश का सम्मान एक प्रधानमंत्री के सम्मान के रूप में देखा जा सकता है, और उसमें भी माता जो जननी होती है, जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता हो, वहां पर महिलाओं के लिए ऐसे अभद्रपूर्ण टिप्पणी खुद में निंदनीय है। अतः बीबीसी की ये ब्रॉडकास्टिंग निंदनीय है, फिर बीबीसी के द्वारा इसको लीक करके आगे तक फैलाना दूसरे निंदनीय घटना है, और इस प्रकार के डिबेट में सिखों जैसे कम्युनिटी को बिना सोचे समझे कॉलर पर लाना ये तीसरी अभद्रपूर्ण घटना है। हम उसका विरोध जताते हैं। धन्यवाद। Okay, let's just hang on, take a second here. Simon, thank you very much for...